हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल टू बॉस में। फिर वीडियो कर गया है आज का वीडियो। दोस्तों सुबह सुबह शुरू कर रहे हैं, टाइम हो रहा है 10 के आसपास हो रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का मौसम भी बहुत ही बढ़िया है, साफ सुथरा है, उतना क्लाउड भी नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा धूप हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखना, आज का वीडियो में कहलाने वाला है, आप लोग को जरूर दिखाएंगे, ठीक है। और वीडियो बहुत ही बढ़िया बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो आज क्या क्या प्लान है, खेत जाएंगे, खेत नहीं जाएंगे, पानी खत्म हो गया, कुछ नहीं लेंगे। तो चलो देखते हैं क्या आता है वीडियो, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं सुबह सुबह सब काम पे लगे हैं। क्या कर रहा है तू अबू? आज दोस्तों घर पे बनेगा मुनगा साग भाजी। और यहाँ पे दोस्तों छोटी दीदी लगी हुई है, ये दोस्तों कद्दू साग है, ठीक है। ये भी भजिया बनाएंगे। तो दोस्तों आज घर पे पूरा दो प्रकार का साग बनने वाला है, कि एक कद्दू साग और एक मुनगा साग, ठीक है। तो आज पूरा साग भाजी के साथ खाएंगे। यहाँ पे तो देखिए मांझा खेल रहा है यार, ही किसे कर जुई। हाँ हाँ, दोस्तों देख सकते हैं इस सीजन का हमारा, हाँ ये क्या बोलते हैं, संतरा है, क्या बोलते हैं हिंदी में, ऑरेंज, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरह से हुआ है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। मतलब 50% हो गया है, और 50% होने ये खाने के लायक बन जाएगा। दोस्तों ऑरेंज बड़ा हमारा दो है, ठीक है, ये एक और यहाँ पे दोस्तों एक, इसमें भी हुआ है, इसमें थोड़ा ऊपर हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा दोस्तों लंच लगा दिया है पूजा जी, आज बना दोस्तों चावल, और ये दोस्तों मुनगा साग और दाल को दालमा बनाया है, और ये है कद्दू साग का भजिया, ये मुनगा साग का भजिया, और ये दोस्तों कल का करी थोड़ा बचा था। तो चलिए खा लेते हैं पूरा, आज थर्स्ट डे स्पेशल ना, पूरा बिना नॉन वेज का बनाए, तो चलिए दोस्तों खाते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गया है, हाँ। तो दोस्तों ये इवनिंग का वक्त है, ठीक है। तो दोस्तों दिन में थोड़ा सुबह लंच वगैरह करके थोड़ा रेस्ट लिए थे, अभी उठे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा एक फल को लाना, मतलब तोड़ने वाला है, ठीक है। तो वो है दोस्तों आमड़ा कहते हैं, ठीक है। तो घर में दोस्तों कुछ क्या कहते हैं वो जो बड़े स्मेल घूंघे कहते हैं, ठीक है। तो उसी का दोस्तों आज डिनर के तौर पर करी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहले वो आमड़ा को लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एक बहुत ही लंबा सा लकड़ी रखा हुआ है, उसको भी तेजी लाएंगे। उसके बाद दोस्तों वो आमड़ा को तोड़ेंगे, ठीक है। बहुत ही ऊपर हुआ है ना, मतलब बड़ा पेड़ है, ठीक है। लो छोटा वाला से मतलब पहुँच नहीं पाएगा, तो वही बड़ा वाला हुआ, वो छोटा वाला से पहुँच नहीं, मतलब नहीं पहुँचेगा, इसीलिए वो बड़ा वाला ही ला, उससे ही तोड़ेंगे। तो बोरा दोस्तों पेड़, ठीक है, आमड़ा पेड़ देखिए कितना बड़ा सा पेड़ है।
आमड़ा तो दिखा ही नहीं, इधर आओ बहुत ही ऊपर है ना। चलो तोड़ते हैं, लकड़ी को तो उठा नहीं पा रही है। चलो खींचो, गिर गया। गंदा हो गया क्या? उसका डाली ये रहा उसका फल। तो ये रहा दोस्तों, देख सकते हैं आमड़ा फल, ठीक है, बहुत ही बढ़िया साइज का हुआ है, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं हुआ है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया खाने के लायक हो चुका है। और ये रहा उसका पत्ते सब, तो चलिए इसको ले जाते हैं और बनाएंगे, ठीक है। और ये रहा दोस्तों क्या स्नेल, बड़े स्नेल घूंगे या क्या बोलते हैं ना हिंदी पे, ये रहा घूंगे और ये रहा आमड़ा हमने लाया, ठीक है। तो उसी को ही दोस्तों आज डिनर के करी बनाने वाले हैं, ठीक है, तो चलो हम बनाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पूजा जी काम पे लग गए, ठीक है, वो स्नेल वगैरह को, उसका स्नेल थोड़ा ये पत्थर से तोड़ रहे हैं, उसके बाद वो उसका मांस को निकालेंगे ना। अब इसका मांस दोस्तों निकालेंगे, ठीक है। बड़े बड़े आंखें होते हैं ना। दोस्तों ये स्नेल को थोड़ा धोएंगे, तो बढ़िया तरह से दोस्तों ये स्नेल को भी साफ सुथरा कर दिया पूजा जी। आप चलिए करी बनाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो दोस्तों कितना मिक्स कर रहे हो हम, हाँ हो गया ये, तीन तीन छः और सात पट्ठू मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं इसको, बीज हो गया सर। ये रहा दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बीज हो गया है, तो बड़ा तरह से उसको इसको भी काट लिए हैं, अब करी बनाएंगे। और ये दोस्तों तेल, और ये दोस्तों पाँच फुट लहसुन का पेस्ट, थोड़ा हल्दी, थोड़ा मिर्च, तो घोंघा, और ये तो आमड़ा को भी दे दिए हैं, पूरा एक साथ मसाला तो भुनेंगे, थोड़ा नमक, और ये दोस्तों पानी डाल दिए हैं, थोड़ा ये आमड़ा को उसको अच्छी तरह से पकाएंगे, ठीक है, पानी से थोड़ा उबलेंगे, थोड़ा थोड़ा ग्रेवी रखेंगे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों करी बन गया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पूजा जी वो करी को थोड़ा बांट रहे हैं, ठीक है। मेरा दोस्तों डिनर लगा दिया पूजा जी पखल भात, और ये दोस्तों आज का स्पेशल करी आमड़ा और घोंघा का करी बनाया, ठीक है,
और ये थोड़ा कुंदरी चटनी, ये 7 बजे सुबह का बचा था, ठीक है। तो चलो दोस्तों खाते हैं, बहुत भूख लग रहा है। तो चलिए दोस्तों खाने को शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, करंट भी चला गया है, थोड़ा अंदर अंदर दिख रहा है। हाँ दोस्तों, अभी हम बड़े तरह से डिनर वगैरह कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों रहते हैं, और क्या कल मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए सभी को हमारी तरफ से गुड इवनिंग, गुड नाइट, और चलो। तो चलिए दोस्तों रहते हैं, बाय बाय और टेक केयर, चलिए रहते हैं।